नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल केआर अड्डा में, जहां मैं कुमार विपुल लेकर जुड़ चुका हूं आपके साथ 22 मई के करंट अफेयर्स को। इस करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप मुझे सीधे जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फटाफट आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा फिजिक्स का जो थर्ड पार्ट है वो उम्मीद है कि कल जो है वो अपडेट हो जाएगा, कल उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। कौन बना पहला भारतीय जिसने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड उन्होंने किस साल के लिए जीता है, तो साल 2020 के। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, प्रभु देवा, सुरेश मुकुंद, एलिस सचदेवा या रेमो डिसूजा। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, सुरेश मुकुंद, जिन्होंने वर्ल्ड डांस एक प्रोग्राम शुरू होता है जो कि यूएसए का है, उसमें जो इंडिया की टीम थी उसको उन्होंने कोरियोग्राफ किया था, जिसने 2019 में सीजन जीता भी था। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी का अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुरेश मुकुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21st मई एवरी ईयर इन मेमोरी ऑफ विच इंसिडेंट। प्रत्येक वर्ष आतंक निरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, ये किस इनमें से किस घटना के स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है अटैक ऑन पार्लियामेंट, संसद पर आक्रमण। ऑप्शन बी है मुंबई टेरर अटैक, मुंबई पर आतंकवादी आक्रमण। एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी की हत्या, या एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी की हत्या। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी हैदराबाद में लिट्टे के द्वारा, और इसी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष गैर जो आतंकवाद निरोधी दिवस है वो राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा या कर्नाटका। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी, कर्नाटका ने किया हुआ है। झारखंड को हमने कल देखा था, कल के वीडियो में जहाँ पे हमने देखा था कि झारखंड ने जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसमें पहली रैंक, उसके इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट रैंक जो है उसकी हासिल हुई है। कर्नाटका की बात कर लोगे तो वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं, और सीएम कौन है, तो येदियुरप्पा जी यहाँ के अभी सीएम। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई हैज इम्पोज पेनल्टी ऑन हाउ मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वायलेशन ऑफ सर्टेन नॉर्म्स लाइक MSME लेंडिंग, KYC एक्सेट्रा। अभी हाल ही में RBI ने कितने वित्तीय संस्थानों के ऊपर में जुर्माना लगाया हुआ है, बहुत सारे कुछ नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए, इसमें MSME लेंडिंग और KYC से जुड़े हुए नॉर्म्स शामिल हैं। ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, 4। सही जवाब क्या है, 4। 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये लगाया गया है, जिसमें आपको मेन याद रखना है सिटी यूनियन बैंक के बारे में, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक के ऊपर RBI ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है, और इसके साथ ही इसने दूसरा जो बैंक है वो है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। इन दो बैंक्स के ऊपर 1 करोड़ का इसने जुर्माना लगाया है लेंडिंग, MSME के लेंडिंग के वैल्यूएशन के लिए, और साथ में ही इसने दो और वित्तीय संस्थानों के ऊपर लगाया है जिनका नाम है नूतन नागरिक सहकारी बैंक, जो कि कहाँ की है, अहमदाबाद, ठीक है। इसके ऊपर 90 लाख का KYC के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। और जो अगला है वो है डैमलर, ठीक है, क्या है, तो ये है डैमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसके ऊपर इन लोगों ने लगाया हुआ है, इसके ऊपर 10 लाख रुपए का पेनाल्टी जो है वो लगाया गया है। क्लियर है, कितने, 4 के ऊपर लगाया गया है, जिसमें सिटी यूनियन और तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक आपको याद रखना होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि मार्था कुमे बिकम्स फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। मार्था कुमे अभी हाल ही में किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनी गई हैं, साउथ अफ्रीका, केनिया, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर ट्रांजेक्शन लिमिट परमिटेड बाई RBI टू विदड्रॉ फ्रॉम ATMs और POS फ्रॉम कैश वॉलेट्स। देखो, RBI ने एक नया नियम निकाल दिया, क्या, कि जितने भी कैश वॉलेट्स हैं, जैसे कि PayTM, फोन पे, ठीक है,
ओला मनी, अमेजन मनी, ऐसी जगहों से अब आप क्या कर सकते हैं, अपने एटीएम के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, या पॉइंट ऑफ सेल जो आप देखते हैं कि आप स्वाइप मशीन जो दुकान देखते हैं उनके थ्रू आप पैसा निकाल सकते हैं। आरबीआई ने इसकी परमिशन दे दी है फाइनली। इनको हम नॉन बैंक पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो आरबीआई ने बोला कि भाई अब आप निकाल सकते हैं, और इसकी लिमिट क्या है, ₹2,000 पर ट्रांजेक्शन लिमिट एंड ₹10,000 मंथली लिमिट। आई होप क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये सुपर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट टू अलाउ रीइंबर्समेंट ऑफ जीएसटी ऑन कोविड आइटम्स डोनेशन। कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना जो कि जीएसटी का रीइंबर्समेंट कर रहा है कोविड आइटम्स के डोनेशन पे। जैसे कि आपने ऑक्सीमीटर खरीदा, आपको ऑक्सीमीटर के ऊपर में जीएसटी पे करना पड़ा, अब आपने क्या किया, इसका डोनेशन कर दिया ऑक्सीमीटर का, तो आपका जीएसटी आपको वापस दे दिया जाएगा। ऐसा करने वाला पहला राज्य भारत में कौन बना है, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार। तो सही जो आपका है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये ऑफर किया है कि अगर वो कोविड आइटम्स का डोनेशन करते हैं तो वो क्या करेगी, जीएसटी आपको वापस कर देगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये सेकंड सुपर क्वेश्चन है। हाइपर वर्ज पार्टनर्ड विद विच इंडियन बैंक फॉर एआई पावर्ड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। हाइपर वर्ज नाम की संस्थान ने किस भारतीय बैंक के साथ एआई पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मोबाइल सॉरी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सुविधा देने के लिए समझौता किया है। ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक और केनरा बैंक। तो ऑप्शन बी SBI द राइट आंसर। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो एक्चुअल में ये जो AI पावर्ड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है ये क्या होगा, इसका नाम होगा VCIP। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। यानी कि कस्टमर को बिना बैंक में गए पूरा अकाउंट ओपन करके दे दिया जाएगा। तो ये AI पावर्ड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी होगी जिसके लिए RBI ने परमिशन दे दी थी और अब SBI ने हाइपर वर्ज के साथ में समझौता कर लिया है। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड वन। तो भाई कब मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में भारत के 6 जो स्थान हैं उनको यूनेस्को ने अपने टेंटेटिव लिस्ट में संभावित धरोहर के लिस्ट में जो है सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली जगन्नाथ पहाड़िया पासेज अवे, ही वाज द फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट। भाई जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन हो गया, ये बहुत जाने माने नेता रहे थे, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे चुके थे। ऑप्शन दे रखे हैं मेघालय, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। यहाँ पे सही जवाब क्या है, तो आप बहुत लोग जानते भी होंगे, ऑप्शन सी राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली RBI has announced to transfer how much surplus amount to government of India। देखो RBI जो भी पूरे साल करती है उसका जो surplus amount होता है उसमें से एक हिस्सा वो government of India को दे देती है। अभी RBI की हाल ही में सेंट्रल बैंक सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग मीट हुई और इसका चेयरपर्सन कौन थे, तो भाई चेयरपर्सन थे डॉक्टर शक्तिकांत दास जी। तो RBI ने कितना अमाउंट बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए, ऑप्शन दे रखे हैं 99,122 करोड़, 75,122 करोड़, 88,122 करोड़, 56,122 करोड़। सही जवाब क्या है, 99,122 करोड़। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए बहुत कम टाइम में हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, तो आपको मैक्सिमम चीज़ें हमारे वीडियो में मिल जाती है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ सवाल मुझे सीधे पूछने हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 2021। 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहला भारतीय कौन बना, और ये कीर्तिमान 11 मई को हासिल किया गया है। ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है रेणुका गहलोत, बी है तासी यांगजोम, सूर्जा भरूच या यशपाल सिंह। तो ऑप्शन बी या तासी यांगजोम जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, ये क्या बनी, भारत की पहली व्यक्ति बनी जिन्होंने 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। बात कर ले कल के क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंटिफिक नेम ऑफ हनीबी यानी मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब क्या है, एपिस। अगला क्वेश्चन था करेंसी एंड पीएम ऑफ चाइना। तो भाई सही जवाब क्या है, करेंसी है रेनमिनबी और इसके पीएम है ली केक्यांग। अगला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रेजेंट। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है, तो ऑप्शन सही क्या है, 6 इसका जो है सही जवाब है। और कौन कौन है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। बात करते हैं हम आज के सवाल की, तो आज के सवाल हैं
कि पहला सवाल आपसे पूछा गया है करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विनर ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 2021 में वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता, और फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन। चलिए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाकी के जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पर उनको जरूर से देखिए, सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।